उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 का बिगुल बज चुका है। क्या आप भी लड़ रहे हैं पंचायत चुनाव 2021? तो अब हो जाइए बेफिक्र, क्योंकि जौनपुर न्यूज आपकी खबर भी लेगा और आपको खबर भी देगा, करेगा आपके चुनाव का प्रचार। तो देर किस बात की, अभी व्हाट्सएप पर करें संपर्क 6307713277। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी के उम्मीदवार, संपर्क करें। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का 4 वर्ष जो है कल ही पूरा हुआ है, और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार 4 वर्षों का जो भी हम लोगों ने काम किया है, उन सारे कामों का हम लोग एक पुस्तक बना करके उसका विमोचन का काम और अपने क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम लगा करके सबको जानकारी देने का काम कि हमारी सरकार ने 4 वर्षों में क्या किया है, और साथ में जो हम लोगों की सरकारों ने नए नए प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं उसका जो है शिलान्यास करने का भी कार्य हम लोगों ने किया। जैसा आज हम लोग एक गौरी शंकर धाम, हमारे यहाँ का बहुत पवित्र स्थल है, और गौरी शंकर धाम के प्रति हमारे पूरी विधानसभा के लोगों की बहुत ही आस्था रहती है, और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि पर्यटन विभाग के तहत जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ काम हो जाए, और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 4 वर्ष पूरा होने पे हमारे जो है बदलापुर में गौरी शंकर धाम में आज 50 लाख रुपये के द्वारा जो है इस गौरी शंकर मंदिर के धाम को जो है पर्यटन विभाग से इसका सौंदर्यीकरण होगा, इसमें तमाम तरीके के निर्माण होंगे। उसके साथ ही आज मेरे लिए गर्व की बात है कि 4 वर्ष जब मेरा पूरा हो रहा है, उसी 4 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के क्रम में ITI, फायर स्टेशन और बस स्टेशन, चक्रियावा घाट का पुल, नौरंगाबाद का पुल, ढेमा का पुल, सिरकिना का पुल, ऐसे बहुत सारे पुल और बहुत सारी सड़कें, और जिसमें कि मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण ITI, फायर स्टेशन, बस स्टेशन और चक्रियावा घाट का पुल था, इन सब का निर्माण जो है तीव्र गति से चल रहा है। साथ में हमारे बदलापुर में जितने भी चौराहे हैं, बाजार हैं, उन सब पर CC रोड और इंटरलॉकिंग का कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है, और मैं अपने इस 4 साल के कार्यकाल में हमारी जनता जो हमारी सरकार ने काम किया है उससे बहुत ही आह्लादित है, बहुत ही प्रसन्न है, और भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि आपके यहाँ एक पराग का प्लांट और पराग के प्लांट के साथ बोझनाथ घाट पर पुल, कारोबीर पर पुल, और उसके साथ साथ एक केंद्रीय विद्यालय का भी निर्माण हमारे यहाँ जल्द ही होने वाला है, उसकी भी स्वीकृति जल्द मिलेगी। साथ में एक हमारे यहाँ बिजली विभाग का वर्कशॉप जिसमें ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग होता है वो भी हमको मिला है, और सबसे बड़ी बात किसानों के हित के लिए हमारी सरकार कितनी काम करती है मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ 3 पंप कैनाल थे, तीनों बंद थे, सोनोरा पंप कैनाल फर्स्ट, सोनोरा सेकंड और भटपुरा पंप कैनाल, इन तीनों पंप कैनालों पे हमारी सरकार ने 8 करोड़ रुपए की लागत से इन तीनों पंप कैनालों को जो 25 वर्षों से बंद थे उसको पुनः शुरू करने जा रही है। साथ में जो AG रोड है उसका नवनिर्माण पूरा हो गया है, और इसके साथ साथ जितने हमारे यहाँ पुल पुलिया थे, लगभग 195 पुल पुलिया, जिसका निर्माण लगभग पूरा हो गया है। इसके साथ ही लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये जो बगलिया हमारे विधायक हैं ललई यादव, यूं विधायक रहा है, 2 बार यही रहा है और 2 बार सागर हुई है, और हमको बड़ा ताजुब है। अब की बार वो पोस्टर लगाए रहे, मांग कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमारे यहाँ एक ITI का निर्माण होना चाहिए, एक फायर स्टेशन का निर्माण होना चाहिए, रोडवेज बहुत जर्जर है, एक रोडवेज का निर्माण होना चाहिए, 2 सब स्टेशन की आवश्यकता है, 2 सब स्टेशन होना चाहिए, एक पराग का प्लांट होना चाहिए। वो बोल रहे थे और मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा था, सिनेमा हमार 50 से शुरू हो, 53, 54, 55, 56, 57 तक पहुंचे। काहे के 4 बार का विधायक, 2 बार का मंत्री, जो जो चीजें मांग रहा था अपने विधानसभा के लिए, ये नया नया विधायक, पहली बार का विधायक, 3 वर्ष का विधायक, ये सारी चीजें बदलापुर में बनवा रहा है, काम चल रहा है, बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो बदलापुर के लिए गर्व की बात नहीं है क्या? एक प्रतीक्षा घाट है, उसने बना के ऐसा घोटाला कर दिया कि लैट्रिन पता ही नहीं चल रहा है, ऊपर का जो शेड है वो पता ही नहीं चल रहा है, कहां बड़ा घोटाले बात। 4 बार विधायक, धन्य हो भोलेनाथ।
ऐसे कैसे लोगों के ऊपर कृपा कर देते हो महाराज, कहां से ऐसे लोगों के ऊपर कृपा कर देते हो बोले बोले। अरे राम राम, ऐसा जाति पात, ऐसा भेदभाव, अरे विकास को और दीजिए विकास को। और महाराज जी बोले ना, आपकी कृपा भी विकास वाले के ऊपर हो, ऐसे जातिवाद वालों के ऊपर ना हो बोले ना। तो मेरा हमारे तरफ से आपने मना लीजिएगा भोलेनाथ से, जो कोई काम नहीं करा। मैं सागर का रहने वाला हूँ, मुझे आज तक मुझे नहीं दिखाई पड़ा सागर ने क्या किया। उसने जौनपुर तक फ्लाईओवर नहीं है, आपके विधायक ने 45 करोड़ रुपए से श्री कृष्णानगर रेलवे स्टेशन पे फ्लाईओवर पास करा दिया। 45 करोड़ जौनपुर गए हो गया। किसी भी रोड में चले जाओ, रेलवे क्रॉसिंग बंद तो घंटों बंद घंटों, और यहाँ पर 10 मिनट का जाम लगता है। कि मेरी मेहनत थी, आपका आशीर्वाद था कि फ्लाई ओवर भी पास करवा दिया। ऐसे लोग पता नहीं कैसे विधायक बन जाते। और मैं भी जब जाता हूँ क्षेत्र में, तमाम तरीके के लोग विरोध की बात करते हैं, तो मैं भी ताजुब करता हूँ, इतना काम के बाद भी विरोध। तब मुझे लगता है कि जमाना जातिवाद का है, भेदभाव का है। लेकिन मैं न जातिवादी बनूंगा, न भेदभाववादी बनूंगा, सिर्फ विकासवादी बनूंगा, विकासवादी बनूंगा। और इसका परिणाम 2022 में देखूंगा कि विकास का कोई मतलब है कि नहीं है, ये मैं देखूंगा 2022 में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ बोल दिया। किसी बाजार में आप जाएंगे, वहां या तो इंटरलॉकिंग या तो सीसी रोड का निर्माण हो गया है। हवा हवाई नहीं, बाबा सामने बैठे हैं। जरस गलत बोलूंगा त्रिशूल उड़ेगा, यही कपारे में लागेगा। हाँ, जरस अगर झूठ बोलूंगा, ये सत्य वचन बोल रहा हूँ, सत्य वचन है। किसी के दम आ जाए, कोई पूर्व विधायक जिसके अंदर दम हो आए कम्युनिकेशन कर ले। हम जात और पात की बात नहीं करते, सिर्फ विकास की बात करते। हम विकास से तुलना करना चाहते हैं, हम विकास से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कितने लोग कमेंट करते हैं कि ये सपा वाला कुछ कर रहा है, बसपा वाला कुछ कमेंट कर रहा है, मैं जवाब नहीं देता। हमने कहा मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, जवाब मेरा विकास देगा, मेरा काम।